हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग कुशल मंगल हैं। अभी मैं जा रही हूँ इंडिया बाइक वीक का जो चायन पकोड़ा राइड, वहीं पे जा रही हूँ गुवाहाटी में, जो राइड ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए चल के बताते हैं कैसा लगेगा। और एक बात, लद्दाख के अभी भी 2-3 एपिसोड्स हैं, अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे पता है, पर जल्द ही आपके लिए मैं अपलोड करूँगी। अभी मैं पहुँच गई हूँ खानापारा के वो मीटअप पॉइंट पे, बहुत सारे बाइक्स यहाँ इकट्ठा हुआ है, कुछ देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे। मीटअप पॉइंट पे मैं आ चुकी हूँ और कुछ ये सब दिया है और अभी मैं जाती हूँ, किसी को पहचानती नहीं हूँ, एक बार बातचीत करती हूँ, देखती हूँ, सबसे मिलती हूँ। 8:30 को हम लोगों का राइड आउट टाइम था, पर थोड़ा सा तो लेट होते ही है, तो देखते हैं कुछ हो रहा है वहाँ। अभी कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा, हम लाइन अप हो रहे हैं अभी, यहाँ हम जा रहे हैं, हम लोग का डेस्टिनेशन है PRP वैली। और ये गुवाहाटी का धूप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या बताऊँ, ये धूप देख के नहीं लग रहा है ना ये कि हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं, अभी आफ्टरनून में हम निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या बताएं, क्लाइमेट चेंज का, हम इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं, इतना बुरा हालत हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं, इस बढ़ती गर्मी के साथ हम जा रहे हैं PRP वैली। वैसे तो इस रास्ते से बहुत बार आना जाना होता ही रहता है, पर जब आपके साथ 100 से ज़्यादा राइडर्स हों तो कैसा लगेगा आप फील कर सकते हो ना। तो इस 100 से ज़्यादा राइडर्स के साथ मैं जा रही हूँ और मुझे और एक लेडी राइडर दिखाई दे रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, पर इंटरेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, वहाँ जाके मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी। तो सोनापुर हाईवे से होके हम आगे बढ़ रहे थे और अभी हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया है दिगारो एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ से लेफ्ट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, बहुत सुंदर सा विलेज है। तो बात ये है कि नॉर्मली मैं ग्रुप के साथ आने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, ये मेरा पर्सनल मामला है, पर यहाँ अभी आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं पर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, राइड कर रहे हैं विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो अच्छा लग रहा है। वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों ने अच्छे से मैनेज कर रहा है सब कुछ। तो हम पहुंच गए हैं PRP वैली अपना डेस्टिनेशन पर, जो ओपन स्पेस है उस पे हम लोगों का सारा इवेंट्स होगा। प्रोफेशनली मैं 14 और पास स्टार्ट करूं ভাল লাগিছে আপনা দি কারণ বহুত এনেকে আহিলে বহুত কম দেখা পাও না ভাল লাগিছে তুমি স্টার্ট কৰিছ বাইক তুমি কিটার পাস হলা মই এনেকে ক্লাস 10 মান 19 মানৰ পৰা চলা আৰু তো ইহাঁ মই আই থি তো आपका नाम जिलमिल जिलमिल देखो मेरा तो अच्छा लगता है कभी कोई बाइक राइडर गर्ल मिल जाता है तो वहाँ कुछ गेम वगैरह खेलेंगे ऐसे अनाउंस कर रहे हैं, जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा और बर्पीस कर पाएंगे अभी भी ताकत। आगे ब्रेकफास्ट भी रेडी है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद आके दिखते हैं कि क्या क्या गेमिंग, क्या 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 कुछ हो रहा है, क्या कुछ करेगा ये लोग। रेडलैंड ब्रदर्स एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। 3, 2, 1, start. और ये डेस्टिनेशन काफी अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी, नेचर के बीच पहाड़ में, और आर्टिस्ट लोग अच्छा अच्छा गाना हम लोगों को सुना रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहा है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मजाक मस्ती सब चल रहा है, तो बढ़िया लग रहा है बहुत। तो इंडिया बाइक वीक का चायन पकोड़ा राइड जो गुवाहाटी सिटी में ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा लगा। अभी ख़त्म हो गया है, दिन बहुत अच्छे से गए, अभी निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते एक चीज़ बताती हूँ कि लद्दाख के और भी 2-3 एपिसोड्स आना बाकी हैं, आप लोग प्लीज़ वेट करिए। तो इन 2 एपिसोड्स में मैं आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाऊंगी कि जो मैं पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था, जो फील मुझे मिला मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैसे मैं सरछोज से गटालू होके मनाली तक आई, यहाँ पर सब कुछ है, क्या क्या मैंने फेस किया, सब कुछ यहाँ पर होगा। मैं माफ़ी मांग रही हूँ आप लोगों से क्योंकि मैं बहुत लेट कर रही हूँ अपलोड करने में, पर प्लीज़ आप लोग देखिएगा, देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट प्लीज़ करना। और अभी के लिए मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर।